अस्सलाम वालेकुम जानी, क्या हाल है। मेरा नाम है इसाक अब्बास। और यार देखो, यूनिवर्सिटीज़ के एडमिशन्स हो गए हैं या होने वाले हैं, और बच्चों की, बहुत सारे बच्चों की नई यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू होने वाली है, या जिनकी हो चुकी है उनका नया सेमेस्टर शुरू होने वाला है। इस वक्त हर कोई, यार देखो, जिनकी नई यूनिवर्सिटी लाइफ शुरू हो रही है वो यकीनन अपनी शॉपिंग ज़रूर करेंगे, ठीक है। और जिनके सेमेस्टर शुरू होने वाला है वो एक आधी चीज़ ज़रूर ख़रीदते हैं, मानो या ना मानो। तो आज की वीडियो इसी टॉपिक पर, अब ज़्यादा लंबी नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। तो यार आज की इस वीडियो में आपका भाई आपको बताएगा पांच ऐसी शर्ट्स जो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ के दौरान आपकी वार्डरोब में होना बहुत जरूरी। तीन तो उसमें से मस्ट है। वो शर्ट्स कौन सी हैं वो मैं बताता हूँ, लेकिन उससे पहले तुमने एक काम करना है। काम क्या करना है, ये एक तो वीडियो पूरी देखनी, क्योंकि एंड में आपका भाई गिव अवे अनाउंस करेगा तुम्हारे लिए। मतलब अभी अनाउंस नहीं करेगा, बताएगा कि गिव अवे में दे क्या। दूसरा काम ये करना है कि तुमने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबानी है, और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना है, ठीक है। ये भी ना, बात स्क्वाड में आ जाओ बस फौरन। जानिए बात पता है क्या है, बात ये है कि यार यूनिवर्सिटी लाइफ में अगर प्रेजेंटेशंस ने आपकी बैंड नहीं बजाए ना, तो ये बात मैं नहीं मान सकता, माजरत के साथ, ठीक है। तो हमने पहली चीज़ ही रखी है फॉर्मल शर्ट। फॉर्मल शर्ट कौन सी, क्रिस्प वाइट। यार ये जो वाइट शर्ट होती है ना, ये इतनी वर्सेटाइल होती है, कि सोचो तुम्हारी यूनिवर्सिटी के अंदर तुम्हारी फॉर्मल रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं वो सिर्फ वाइट शर्ट भरपूर तरीके से पूरी करेगी। वाइट फॉर्मल शर्ट्स को तुम पाकिस्तान में डेनिम के साथ डार्क वॉश जीन्स, मतलब ब्लैक जीन्स और डार्क नेवी ब्लू जीन्स जो होती है उसके साथ वेयर कर सकते हो। तुम वाइट शर्ट को चिनोस के साथ वेयर कर सकते हो। तुम वाइट शर्ट को फॉर्मल ट्राउजर्स के साथ लेके जा सकते हो। तुम वाइट शर्ट को सूट अप के साथ भी यार वेयर कर सकते हो। और क्या चाहते हो, कोई और शर्ट है इतनी वर्सेटाइलिटी दे, नहीं है ना यार। यार खैर, आप यूनिवर्सिटी में पहन रहे हैं या नहीं पहन रहे, आपने देखा होगा हर किसी के पास वाइट फॉर्मल शर्ट होती है यार, वो हर चीज़ के साथ जाती है। इसीलिए आपके भाई ने पहले नंबर पे वाइट फॉर्मल शर्ट को रखा है। अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। दूसरे नंबर पे आपके भाई ने रखा है सॉलिड ब्लैक टी शर्ट, वो भी क्रू नेक में। यार जो सॉलिड ब्लैक टी शर्ट होती है वो आपकी गेम को यहाँ से यहाँ लेके जाती है, और पता भी नहीं लगता, मतलब कोई ग्राफिक्स नहीं, कुछ नहीं, सिंपल टी शर्ट है और आपकी गेम यहाँ से यहाँ चली जाती है। इससे ज़्यादा वर्सेटाइल कोई और टी शर्ट है नहीं है, पता है। यार ज़रूरी नहीं है कि अब बेसिक टीस हर किसी को पसंद हो सकता है, और सही बात है, लेकिन यार अब बहुत सारे लोग होते हैं बहुत ज़्यादा चिचोर पर की तरफ चले जाते, मतलब चील बनी हुई है, जानवर बने हुए, अपना टाइम आएगा, ये बकवास होता है भाई, कोई चीज़ नहीं होती ये, बिल्कुल नहीं। मतलब आपकी वैल्यू यहाँ से, यहाँ पे है ना, यहाँ से भी नीचे चली जाती है, मतलब इतना चिचोरपना लगता है जिसकी कोई नहीं भाई। सिंपल आपने अगर लेनी भी है ग्राफिक्स टीज में तो सिंपल ले लो, जस्ट लाइक बीच में टी शर्ट्स चली थी जिधर कराची और इस्लामाबाद का एक सिंपल सा प्रिंट था, दैट्स इट, इनफ है यार। मतलब कोई भी चीज़ ओवर नहीं होनी चाहिए। ये बात बोलने का मकसद ये है कि यार आपने बहुत ज़्यादा ओवर नहीं जाना, बहुत मिनिमल रहना है, इससे आपकी गेम ना बहुत नेक्स्ट लेवल होती है। जितना मिनिमल रहोगे उतने क्लासिक लगोगे। अब हम बताते हैं हमने दूसरे नंबर पे ब्लैक टी शर्ट को रखा क्यों था। भाई फॉर्मल ट्राउजर्स हो, चिनोज हो, ट्रैक पैंट्स हो, डेनिम हो, कुछ भी हो, शॉर्ट्स भी हो, हर चीज़ के साथ जाती है ब्लैक टी शर्ट, वो भी सॉलिड ब्लैक टी शर्ट। तो भाई का मशवरा मान लो, एक सॉलिड ब्लैक या सॉलिड वाइट टी शर्ट में इन्वेस्ट कर लो, पैसे ज़ाया नहीं होंगे, मैं बता रहा हूँ। दूसरे नंबर पे जो चीज़ रखी है वो सिर्फ रखी नहीं है बल्कि पहनी दी हुई है, पोलो शर्ट। यार पोलो जितनी क्लासिक है ना, मैं नहीं मानता कि कोई और चीज़ होती है यार, उसका लेवल ही इधर है, इधर से नीचे आती नहीं है, इधर है। क्या वजह है कि हर किसी की वार्डरोब के अंदर एक या दो पोलो शर्ट्स पाई जाती हैं, वो चाहे बेसिक्स या सॉलिड्स कलर में हो या कोई लाइट से, मतलब स्ट्रिप्स में हो, लेकिन पाई ज़रूर जाती है। हर किसी की वार्डरोब में पोलो होने की वजह ये है कि यार एक तो सिंपल है, एलिगेंट है, और कंफर्टेबल इतनी है ना, और यार मतलब स्मार्ट कैजुअल लुक में बहुत नेक्स्ट लेवल जाती है, बहुत नेक्स्ट लेवल। तो यार अगर आपकी वार्डरोब में एक भी पोलो शर्ट नहीं है तो ज़रूर इन्वेस्ट करो और अपनी वार्डरोब कंप्लीट करो, क्योंकि अभी तक आपकी वार्डरोब इनकम्प्लीट है, लिटरली इनकम्प्लीट है। अब जाहिर सी बात है, तुम यूनिवर्सिटी में हर वक्त वाइट फॉर्मल शर्ट या टी शर्ट में तो घूमोगे नहीं, थोड़ी वैरायटी वगैरह चाहिए होती है, तो वैरायटी के लिए स्मार्ट कैजुअल लुक में जाओगे, स्मार्ट कैजुअल लुक में पोलो इज़ द बेस्ट। समझ में आ गई, कर लो इन्वेस्ट, मान लो भाई ये बात। तो यार दादा ये थी तीन मस्ट हैव जो आपकी यूनिवर्सिटी लाइफ के दौरान तीन ये शर्ट्स होनी चाहिए। अब हम चलते हैं चौथे नंबर। चौथे नंबर पे आपके भाई ने रखा हुआ है कैजुअल शर्ट, मतलब पाकिस्तान में कैजुअल शर्ट कहा जाता है, वरना अदरवाइज उसको दूसरा नाम से हम पुकारते हैं, बटन डाउन शर्ट। यार ये जो बटन डाउन शर्ट्स होती है ना, अब ये आपके ऊपर है, आपने इनके साथ अपनी गेम ऊपर लेके जानी है या नीचे लेके जानी है। अब यूनिवर्सिटी के अंदर बहुत सारे ऐसे लड़के मैंने देखे हैं यार, जो मतलब बटन डाउन शर्ट पहन के आते हैं, उसको टक इन कर लेते हैं, स्लीव्स भी मतलब फोल्ड नहीं रखी हुई होती, फुल स्लीव्स की हुई होती हैं। अब भाई मम्मी डैडी लग रहे होते हैं फुल, कसम खुदा की।
अब आप इस तरह से उसको वेयर करेंगे तो जाहिर सी बात है अगर आप गेम यहाँ पे लेके चल रहे हैं तो आपकी ऑब्वियस सी बात है गेम नीचे आ ही जाएगी। कैजुअल शर्ट्स में मेरा मशवरा तो यही है कि आप लोग चेक्स की तरफ जाएं, बहुत छोटे चेक्स ना हो, जो थोड़े से ब्रॉड चेक्स होते हैं उसकी तरफ जाएं। कोशिश करें ग्रे ब्लैक, येलो ब्लैक, रेड ब्लैक, इन चेक्स की तरफ जाएं। यार ये इतने सेक्सी लगते हैं कि सोच है आपकी। अब इन कैजुअल शर्ट्स के साथ आप स्लीव फोल्ड्स करके भी जा सकते हैं, टक इन कर लें, स्लीव फोल्ड कर लें, मतलब ओपन बटन रख सकते हैं, अंदर कोई भी सॉलिड कलर की टी शर्ट्स पहन सकते हैं। और दादा जब स्लीव्स फोल्ड होती हैं और जब बंदे के फोर आर्म्स बच्चियाँ देखती हैं ना, कैसे फ्लैट नहीं होंगी, गारंटी फ्लैट होंगी यार ऐसी की तैसी उनकी। तो ये थी चार चीज़ें। अब पांचवी चीज़ से पहले एक दफ़ा फिर मैं याद दिलाता चलूँ, भाई सब्सक्राइब तो कर दो यार भाई के चैनल को, इंस्टा पे फॉलो करना और बेल आइकन को ज़रूर दबाना। ठीक है, डन हो गया, स्क्वाड में आ गया, अब कंटिन्यू करते हैं। देखो यार, अब जो पांचवे नंबर पे जो चीज़ आपके भाई ने रखी है ना यार दादा, वो काम बढ़ जाती है। ठीक है, पांचवे नंबर पे आपके भाई ने रखा हुआ है फुल स्लीव टी शर्ट्स को। ये जो फुल स्लीव टी शर्ट्स होती हैं तुम्हारी दो जगह काम आएंगी और बहुत हद तक काम आएंगी, तुम भाई का शुक्रिया अदा करते रह जाओगे। यार मैं बता रहा हूँ कि ये दो जगह ऐसी जगह काम आएंगी ना, सोच है आपकी। देखो यार, अब पाकिस्तानी लड़के यूनिवर्सिटी जाते हुए यूजुअली बाइक पे बहुत ज़्यादा सफ़र करते हैं। ठीक है, पाकिस्तान में तुम्हें पता है कितनी सड़ी हुई धूप होती है, तो यार अपने हाथों का कलर बचाने के लिए सबसे सेफ साइड क्या है, फुल स्लीव टी शर्ट। पहला काम यार ये जो करती है ना, मतलब जो धूप से बचाने वाला यार बहुत नेक्स्ट लेवल होता है। अब मेरी कभी किसी दिन प्रेजेंटेशन वगैरह होती है तो उस दिन फॉर्मल चलती है, फॉर्मल की भी फुल स्लीव होती है, लेकिन अगर किसी और दिन मुझे यूनिवर्सिटी जाना है और उस दिन बहुत चमकती हुई और कड़कती हुई धूप है तो दादा भाई फुल स्लीव टी शर्ट्स के बगैर गुजारा नहीं है, कसम से बिल्कुल भी गुजारा नहीं है। और जो दूसरी जगह काम आएगी वो भी हम बताते हैं आपको। अब फर्ज करो तुम यूनिवर्सिटी जाते हो और तुम्हारी ना मस्कुलर बॉडी है, मतलब तुम जिम शेम करते हो। ठीक है, अब वो शो ऑफ कैसे कराओगे दादा, आप फुल स्लीव्स है ना उसके लिए, फुल स्लीव्स कब काम आएगी, इस्तेमाल करो उसे। जब आप यार फुल स्लीव्स को वेयर करते हो ना दादा, वो जो आपके आर्म्स के जो कट्स और ये वो चीज़ें शो होती हैं, बच्चियाँ तो गिर गई, ख़त्म, खलास, और क्या यार इससे ज़्यादा कुछ है उनके ऊपर छुरियाँ चलाने के लिए, नहीं है भाई। जितना वो लड़कों के कट्स में मरती है ना, सोच है तुम्हारी, समझ में आई। तब भाई की इस बात को ना ज़्यादा सीरियस मत ले लेना, ऐसा कुछ नहीं होता, वो तो हमने बस जोश में आके कह दिया कि छुरियाँ चल जाती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, रियलिटी नहीं है ये। खैर होता तो बहुत कुछ है, अब क्या बंदा बताए, अब छोड़ो यार, वीडियो पे कॉन्सेंट्रेट करने दो यार। जानी ये थी मेरी तरफ से पांच ऐसी शर्ट्स की पिक्स यार जो हर लड़के की वार्डरोब में होनी चाहिए। मेरे पास तो है, अब तुम लोगों की डिफरेंट किस्म की थिंकिंग भी हो सकती है, तो तुम्हारे हिसाब से क्या बेहतर लगता है कमेंट्स में शेयर करो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कुछ गिव अवे। यार कहीं अगर पबजी का रॉयल पास का गिव अवे हो रहा हो तो यार भाई को ज़रूर बताना, क्योंकि इस दफ़ा भाई ने रॉयल पास नहीं ख़रीदा, पहले भी नहीं ख़रीदा, लेकिन ख़रीदने के पैसे नहीं है, तो मजाक कर रहा हूँ। देखो यार बात सारी है कि हमारा है नया नया चैनल, किसी को देखे दूसरी वीडियो पे गिव अवे करते हुए, नहीं ना हम कर रहे हैं, मतलब गिव अवे कर नहीं रहे, गिव अवे का अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि हम करेंगे। अब आपका भाई गिव अवे करेगा कब, सवाल तो ये बनता है इधर। देखो भाई नया नया चैनल है तो इसके लिए हमने एक गोल सेट किया, जैसे ही 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे आपका भाई गिव अवे कर देगा, लेकिन उसके लिए कुछ शराइत हैं जिनको आपको पूरा करना होगा। ऑब्वियस सी बात है, हर यूट्यूबर जिस तरह का गिव अवे करता है हम भी उसी तरह का गिव अवे करेंगे। आपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन प्रेस करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक और चैनल का लिंक है, वो भी भाई के व्लॉगिंग चैनल है जहाँ पे भाई फूड व्लॉग्स और ट्रैवल व्लॉग्स बनाता है, उसको भी जाके सब्सक्राइब करना है और इंस्टा पे भी फॉलो करना है। ठीक है, अब मेरे जितने जानने वाले हैं मेरे पास इंस्टा पे ऐड हैं जिनको मैं बजाते खुद मतलब पर्सनली जानता हूँ, उनको मैं कुछ नहीं दूंगा, मतलब एक परफ्यूम मैं गिव अवे कर रहा हूँ जो आपका भाई खुद यूज़ करता है, रॉयल ब्लू है बाय रसासी की तरफ से, रॉयल ब्लू का ये परफ्यूम है जो आपका भाई गिव अवे करेगा। ठीक है, वो लड़कियाँ कैसे करती हैं, ऐसे करती हैं ना, तो ये परफ्यूम है आपका भाई गिव अवे करेगा। ठीक है जानिए, अब जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे आपका भाई, अब वो चाहे महीने में हो, दो महीने में हो, हफ्ते में हो, 10 दिन में हो, 2 दिन में, जब भी हो, जैसे 1000 सब्सक्राइबर्स हो जाएंगे आपका भाई दस्ती गिव अवे कर देगा। ठीक है जानी, गिव अवे से रिलेटेड सारी डिटेल्स नीचे शुद्ध उर्दू में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके भाई ने मेंशन कर दी, लिख दिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।